भाजपा के नवीन विस्तारकों की बैठक आर्यनगर स्थित अग्रवाल भवन में संपन्न हुआ। बैठक में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने नवीन विस्तारकों को संबोधित करते हुए कहा कि विस्तारकों की योजना विधानसभा चुनाव को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि यह टीम भविष्य की पूंजी है तथा विस्तारक के रूप में कार्य करने के बाद आप सभी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस अनुभव का लाभ मिलेगा। उन्होंने भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा को विस्तार से बताया तथा संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले लोगों के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विस्तारक प्रमुख श्रवण पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय महामंत्री अनुप गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, इस बैठक को उद्घाटन के लिए आप लोग बैठ जाइए। मंचासीन अधिकारीगण से मैं निवेदन करूंगा कि पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद आचरेकर इस वर्ग का सुमधुर बास
हमारे क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष परमाचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, हमारे क्षेत्र के प्रभारी तथा प्रदेश के महामंत्री परमाचार्य अनूप गुप्ता जी, हमारे क्षेत्र तथा गोरखपुर काशी दोनों क्षेत्र का विस्तारक योजना का प्रभारी के रूप में काम देख रहे प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय ब्रज बहादुर जी, ब्रज बहादुर भरद्वाज जी आप इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि अंग वस्त्रम तथा पुष्प गुच्छ दे करके भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जहां संगठनात्मक कई प्रकार के कार्यक्रमों अभियानों को लेकर के कार्यक्रम कर रही है, वहीं पर हम पार्टी के जो विशेष अभियान हैं उसकी दृष्टि से भी काम कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र में कुल 62 विधानसभा क्षेत्र हैं और पार्टी की योजना के अनुसार सभी विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक जाने हैं, जो विस्तारक पूरा समय दे करके पार्टी के लिए काम करेंगे। और उसी के दृष्टि से आज गोरखपुर क्षेत्र के जो 62 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक जाने की योजना है उसमें लगभग 75 विस्तारक आज यहाँ एक वर्ग हो रहा है, जिसको हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी उस बैठक को लेने आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमारे गोरखपुर क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, सभी 12 जिला के अध्यक्ष हैं, उन सबकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी है ताकि जो आगामी अभियान होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, उसको हम सुचारू रूप से चला सकें।